बीते 4 दिनों से मेरी ड्यूटी जो है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर लग रही है और आज भी वहीं पर मेरे को ड्यूटी पर जाना है। खैर आज तो मुझे ड्यूटी चाहिए भी थी क्योंकि आज नाइट की शिफ्ट करके मैं सुबह पुणे निकलने वाला हूँ, इसलिए आज दो बैग लाया हूँ, एक ड्यूटी का बैग है और एक में मेरे जो है कपड़े हैं। कल की ड्यूटी फिनिश होने के बाद मेरा रेस्ट रहेगा तो सोचा 2 दिन के लिए पुणे चला जाता हूँ। पुणे में भैया और भाभी रहते हैं, उनको बुलाते हुए काफ़ी दिन हो गए मुझे, तो वहाँ जाऊँगा मैं सुबह। तो यार आ गया, कहाँ है आज? कहाँ जाएगा, आगे जाएगा कि धीरे बैठेगा? आगे। पूरी की पूरी फौज बैठी हुई है, सब लोगों को यही गाड़ी पकड़नी रहती है। शशि तेरा दुख दूर हुआ कि नहीं? हो गया। हम पहुंच गए हैं CST। आज थोड़ी थकान फील हो रही है क्योंकि दिन में लाइट ना होने की वजह से प्रॉपर रेस्ट नहीं कर पाया। खैर ड्यूटी जो है CST में है पैसेंजर में, तो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज की सेवा समाप्त। अभी मुझे जो है CST से गाड़ी पकड़नी है 7 बजे की और पुणे जाना है। 7 बजे यहाँ से डेक्कन एक्सप्रेस खुलती है, वो मुझे पुणे 11 बजे के आसपास पहुँचा देगी। और अभी जो है नाइट की ड्यूटी काफ़ी अच्छी हुई है, साथ में 2 बैग लाया था, तो अब जब ड्यूटी फिनिश हो गई है तो 1 बैग जो है साथ वाले को दे देता हूँ, ड्यूटी वाला वो लेके चला जाएगा घर पर और मैं जो है दूसरे बैग के साथ पुणे चला जाता हूँ। चले ठीक है, थैंक यू। उधर से आया हूँ ना, 9 नंबर से आया। स्टार्डम कोचेज जो है रेलवे ने इंट्रोड्यूस किए हैं 2 गाड़ियों में, एक गाड़ी है अपनी डेक्कन एक्सप्रेस जो कि मुंबई से पुणे और पुणे से मुंबई चलती है, दूसरी गाड़ी जनशताब्दी एक्सप्रेस जो कि CST से मड़गांव के लिए जाती है। तो दोनों में ये जो कोच है इंट्रोड्यूस किए हैं सेंट्रल रेलवे ने। सीटिंग काफ़ी अच्छा है यार, बहुत कम्फर्टेबल है। जो खास बात है वो इसका सीटिंग और जो इसके ग्लास है, विंडो ग्लास है, वो काफ़ी बड़े हैं, तो इसका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा रहता है। ये कर्जत से लोनावाला जब जाती है तो जो घाट का देखने का जो नज़ारा है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। इसका काफ़ी अच्छे कोच हैं। इसकी एक खास बात और दिखाता हूँ आपको कि इसको जो है 180 डिग्री पे रोटेट कर सकते हैं। क्या बात है, मैं जो है विस्टाडोम कोच में नहीं जा रहा हूँ, उसका कारण ये है कि मुझे जो है सीट अवेलेबल नहीं मिली। सेंट्रल रेलवे ने अभी इसको रिसेंट ही इंट्रोड्यूस किया है तो इसकी वजह से काफ़ी एडवांस बुकिंग चल रही है इसकी। मैंने भी कोशिश की लेकिन मुझे नहीं मिल पाया, तो फिर कभी विस्टाडोम में ट्रैवल करेंगे। से लोनावाला 28 किलोमीटर है, 28 किलोमीटर की जो है पूरी चढ़ाई है यहाँ पर।
जिसे बोर घाट बोला जाता है। अभी जो मैंने आपको दिखाया दो यूनिट का जो लोको था पीछे, वो इस गाड़ी के पीछे लगेगा और वो जो है उसको पुश करके लेके जाएगा।